दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पे जो आपको अभी ये आप देख सक रहे हैं, ये इसे कहते हैं कैट्साई जेम्सटोन्स, जो है कैट्साई जेम्सटोन्स का रफ। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो इसका ओरिजिन है, ये इंडिया आंध्र प्रदेश का इसका ओरिजिन। इसमें तीन तरह के माइंस का माल है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। ये इस माइंस को कहते हैं पपूचटी पालम, और ये जो है ये माइंस है पेटाकटा, ये भी पेटाकटा है, ये भी पेटाकटा मिट्टा मामरी जो है उसका है। और ये जो है इसको आप कह सकते हैं एक टाइम पे बहुत तेज़ी से आता था, ये कुछ तो भी चेंजिंग जैसा है एलेक्स के जैसा, ये बीच में आया था। इसको कौवा माइंस बोलते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका रंग काला है, इस वजह से इसको कौवा माइंस कहते थे। अब मैं आपको बता दूं, ये टोटल 5 पीस है, आप देख सकते हैं वेट मशीन, ये टोटल का वेट मैं आपके सामने करूंगा। ये है 24 कैरेट एबव, ओके। इसमें इसमें मेन पीस जो है ये, इसका वेट है 490-95 जो भी हो। इसमें ये इस पीस जो कि उसके बाद है 6 कैरेट। ये 490 पपचिटी पालम जो मैं बता रहा था आपको, इसके बाद फिर ये है 4 कैरेट। अब आता है बारी इसका 4 कैरेट। अब गाइस, इसमें मसला ये है कि ये टोटल 24 कैरेट है, और इसको घिस के बनाने में कम से कम इसका 50% वेट चला जाएगा, जब ये अपने पूरे शेप में आएगा, जब ये नगीना बनेगा तो इसका वेट होगा 12 कैरेट। मसला ये है कि 5 पीस 12 कैरेट एवरेज साइज से भी नीचे, तो बनाना तो है ही, बनेगा तो ज़रूरी है, बनना तो इसे है ही है, लेकिन वही है, देखना है कि अब इसका वेट कितना आता है। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगा बनाने, जब ये कटिंग पॉलिशिंग वगैरह ये सब जब हो रहा होगा, जब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे इसको कटिंग किया जा रहा है, कैसे इसको पॉलिश किया जा रहा है, कैसे इसको फिनिश किया जा रहा है, इस और कितना कैरेट का आएगा। तो तब तक के लिए बने रहें सुहैल जेम्स के साथ। थैंक यू।